आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं जालियांवाला बाग हत्याकांड का दर्दनाक इतिहास बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल मोटिव बिंग को सब्सक्राइब करें। जालियांवाला बाग हत्याकांड। बात 13 अप्रैल 1919 की है, जब एक प्रतिबंधित मैदान हो रहे जनसभा के एकत्रित निहत्थी भीड़ पर बगैर किसी चेतावनी के जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने अंधाधुंध गोली चला दी थी। यह जनसभा जलियांवाला बाग में हो रही थी, इसलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है। इस जनसभा की मुखबिरी हंसराज नामक भारतीय ने किया था और उसके सहयोग से इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी। 13 अप्रैल को यहां एकत्रित यह भीड़ दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी। अचानक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने अपनी सेना को निहत्थी भीड़ पर तितर बितर होने का मौका दिए बगैर गोली चलाने के आदेश दे दिए और 10 मिनट तक या तब तक गोलियां चलती रहीं जब तक वे खत्म नहीं हो गईं। इन 10 मिनटों कांग्रेस की गणना के अनुसार 1000 लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग घायल हुए। गोलियों के निशान अभी भी जलियांवाला बाग में देखे जा सकते हैं, जिसे कि अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। यह नरसंहार पूर्व नियोजित था और जनरल डायर ने गर्व के साथ घोषित किया कि उसने ऐसा सबक सिखाने के लिए किया था और अगर वे लोकसभा जारी रखते तो उन सबको वह मार डालता। उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। जब वह इंग्लैंड गया तो कुछ अंग्रेजों ने उसका स्वागत करने के लिए चंदा इकट्ठा किया, जबकि कुछ अन्य डायर के इस जघन्य कृत्य से आश्चर्यचकित थे और उन्होंने जाँच की मांग की। एक ब्रिटिश अखबार ने इसे आधुनिक इतिहास का सबसे ज्यादा खून खराबे वाला नरसंहार कहा। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की उम्र के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था उस समय उधम सिंह वही मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर को गोली चला के मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा करी थी। मोटिव बीइंग आप सभी को अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद करता है।